सपा के अंबेडकर प्रेम से बसपा में मची खलबली, अब शुरू हो गई माथापच्ची। सपा के सियासी प्रयोगशाला में जिस तरह से लोहियावाद के साथ अंबेडकरवाद का मिश्रण तैयार हो रहा है, उससे बसपाई नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। अपने कैडर वोटरों को सहजने की चुनौती बढ़ गई है। बसपाई खेमे में इस पर चिंतन भी शुरू हो गया है कि सपा के इस दांव की काट कैसे निकाली जाए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 का परिणाम कुछ ऐसा आया कि उसने कई पार्टियों के सारे समीकरण उलट दिए। खास तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी कहे जाने वाले दलित वोटरों का रुख कई अलग संकेत दे रहा था। इन्हें बसपा अपना कैडर वोट मानती रहे और इनके ही दम पर पार्टी सोशल इंजीनियर का फार्मूला अपनाकर सत्ता के शिखर तक कई बार पहुंच चुकी है, पर बीते विधानसभा चुनाव में यह वोटर बसपा से खिसक गया। नतीजा यह निकला कि पूरा माहौल तैयार होने के बावजूद सपा सत्ता से दूर ही रह गई। सपाइयों का मानना यह है कि मुसलमानों के साथ दलित व कुछ अन्य पार्टी के साथ आ गए तो आने वाले चुनाव में सपा की नया पार हो सकती है। परिणाम यह रहा कि बसपा का सिर्फ एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में टिक पाया। वहीं भाजपा ने चुनाव में इस वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। इससे पहले सीटों पर उसकी राह आसान हो गई, भाजपा के उसी राह को अब सपा ने पकड़ ली है। कारण साफ है, विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने सपा को पूरी ताकत के साथ वोट किया था। अन्य कुछ जाति भी सपा के साथ आई, पर जिस तरह से दलित वोटर बसपा को वोट करते रहे, उस तरह का कोई दूसरा वर्ग सपा के साथ नहीं खड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी की चाल बसपा भली भांति से समझ रही है। बसपा के नेताओं को यह साफ दिख रहा है कि यदि बसपा का कैडर थोड़ा सा भी खिसक गया तो उसकी सत्ता में वापसी सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। यही कारण है कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ट्वीट करके सपा पर निशाना साधा है। मायावती यह कहने में कोई देर नहीं लगाई कि सपा अंबेडकर और बहुजन समाज के लोगों की विरोधी रही है।